उपमंडल दादरा घाट में कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के रोष रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की। देश में इस वक्त जवानों पर हुए हमले के बाद सभी समाज के लोग गुस्से में हैं। गुस्से का आलम यह था कि मूसलाधार बरसात और रूह कपा देने वाली सर्दी में भी लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। सबकी आंखें नम थी। सभी लोग सरकार से इस बलिदान का बदला चाहते थे। पूरे बाजार की रैली निकालने के बाद लोगों ने दादरा चौक पर पाकिस्तान का झंडा जलाया। इस गुस्से को सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से उतारा जा रहा है। इसी श्रृंखला में स्थानीय लोगों व अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के दर्जनों लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, बल्कि सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। भारत के 42 जवान पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के शिकार हुए। आप सभी से आग्रह है कि हम इस मौके पर संकल्प लें कि यदि पाकिस्तान के उग्रवादी या पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवाद किसी को मारने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए लोगों को तैयार कर सकते हैं, तो हम सभी मिलकर संकल्प करें कि हम भी इस देश के लिए हर पल जीने के लिए, इस देश के लिए यदि मरना भी पड़ेगा तो भी अपनी सर्वस्व इस देश को इन्हीं नौजवानों की तरह, इन्हीं वीर सैनिकों की तरह अपना सर्वस्व देंगे। निश्चित करें कि इसमें कोई भी सामान ऐसा ना हमारे घर पहुंचे जो चाइना का बना हुआ। जब से सामना करने के लिए भारत की सरकार ने पैलेट जैसी गन का को परचेज किया, इसको उपयोग करना शुरू किया, तो अपने भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पैलेट गन का विरोध किया और जो अप्रत्यक्ष रूप में भारत में ही रहकर भारत का ही अन्न जल ग्रहण करते हुए पाकिस्तान जैसी दुश्मन राष्ट्र की जो सोच है उसको पुष्ट करते हैं। यहीं तक नहीं, जब जेएनयू में उग्रवादी संगठनों इन्हीं आतंकवादी इन नक्सलवादियों के फेवर में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, इस तरह के नारे लगते हैं तो हमारे देश के कुछ। अर्की से योगेश चौहान की रिपोर्ट।